के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। बुनकर वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 13 तारीख को पढ़िया मंडी में मतगणना होगी, जिसका लाइव कास्ट बुनकर वॉइस चैनल पर दिखाया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर लें और गणना का लाइव कास्ट देखें। मतगणना की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। वहां पर 50 टेबल लगेंगे, 25 टेबल पार्षद के लिए होंगे और 25 टेबल मेयर के लिए होंगे। दो कमरों में ये 50 टेबल होंगे, जिनको इस तरह से डिवाइड किया गया है। आइए आगे की जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। पंचायत चुनाव के बाद मतगणना की तैयारी तेज हो गई है। 13 मई की सुबह 8 बजे से पहाड़िया मंडी के दो कमरों में मतगणना शुरू होगी। मेयर और पार्षद की मतगणना के लिए 25-25 टेबल लगाए जा रहे हैं। इसका नक्शा भी वाराणसी विकास प्राधिकरण ने तैयार करके चुनाव कार्यालय को सौंप दिया है। दूसरी तरफ गंगापुर नगर पंचायत की मतगणना राजा तालाब स्थित तहसील परिसर में होगी। इसके लिए 5 टेबल लगाए जा रहे हैं। वाराणसी में नगर निगम और नगर पंचायत गंगापुर के प्रत्याशियों के भाग का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। अब मतगणना का इंतजार है। वीडियो ने इसका नक्शा बनाकर चुनाव कार्यालय को सौंप दिया है। इसके अनुरूप प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वाराणसी के पहाड़िया मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है। स्ट्रांग रूम से ईवीएम को निकाल कर मंडी के दो कमरों में ले जाया जाएगा, जहां मेयर व पार्षद के लिए बने 25-25 टेबल पर मतगणना होगी। मतगणना की सभी तैयारियां 11 मई तक पूरी कर ली जाएगी। पूरे परिसर को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। मतगणना के दिन सुबह 9 बजे से मेयर और पार्षदों के पदों के रुझान मिलने लगेंगे। शाम 4 बजे तक शहर की सरकार की स्थिति साफ हो जाएगी। जिन कमरों में मतगणना होगी वहां किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। जिसकी ड्यूटी होगी या जिसका पास चुनाव कार्यालय से बना होगा उसे ही प्रवेश दिया जाएगा। बाहर बने काउंटरों के पास लाउडस्पीकर के माध्यम से मतगणना के परिणाम बताए जाएंगे। यह जानकारी हर घंटे जारी की जाएगी।